Hello friends and viewers, my name is Gurpreet Kaur. I am your IAS trainer. How are you doing? I think you are good and I am also fine. In today's video, I am going to talk regarding the reasons and solution essay, that what are the case, why is the case, and what are the reasons for this and how this can be solved. अपने को टास्क टू हैगा, वेन कार्स एंड साइकिलिस्ट यूज द सेम रोड देयर आर ऑफन प्रॉब्लम्स। मतलब कि जो कार्स से साइकिल सेम रोड में यूज़ करते प्रॉब्लम क्रिएट होंगी उत्थे। वाई इज दिस द केस, क्यों ही हों, वट आर द सोल्यूशनस। ये अपने रीजनस से सोल्यूशन वाला ऐसे है। वाई इज़ द केस, दो अपने रीजनस दसने, दो अपने सोल्यूशन दसने। तो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें दस दी कि मैं किमें लिखे ऐसे, सैवन बैंड का ऐसे जोड़ा हों किमें लिख सकते। स्टार्ट करते हैं। आप फस्ट अपन इंट्रोडक्शन लिखनी सी। ए वाले जो ऐसे होंगे ये आप लेआउट लै सकते होंगे। इंट्रोडक्शन फस्ट बॉडी पैराग्राफ जिद आप दोनों रीजन एक्सप्लेन कर सकते, फिर सैकेंड बॉडी पैराग्राफ जिद आप दोनों सोल्यूशन एक्सप्लेन कर सकते, या फिर आप इदा कर सकते हैं। फस्ट बॉडी पैराग्राफ के आप एक रीजन दे सकते, सैकेंड बॉडी पैराग्राफ दूजा रीजन, फिर थर्ड बॉडी पैराग्राफ एक सोल्यूशन, फिर फोर्थ के दूजा सोल्यूशन। क्योंकि इतने अपन लिखा हुआ है सोल्यूशन, वट आर द सोल्यूशन, वाई इज़ द केस, तो करके आप दो प्रॉब्लम्स देवे, दो कॉजेज देवे, तो दो ही सोल्यूशन देवे। आप देख देख किमें लिख सकते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ए ऐसे की बननी सी साइकल्स के उत्ते या फिर कार्स के उत्ते, भी ट्रैफिक जी ट्रैफिक प्रॉब्लम्स की होया है, किमें इनक्रीज़ हुई बारे। मोटर व्हीकल्स अलोंग विद बाईसाइकल्स शेयर सिमिलर मोटरवेज विच रिजल्ट इन सो मैनी हार्डशिप्स that both drivers and cyclists have to confront। मतलब की है, जोड़े मोटर वहीकल्स होंगे वो कार्स वगैरह हो गई, बाकी कि बाईसाइकिल आप कह दिता साइकलिस्ट, जोड़े कि बाईसाइकिल आप उत्थे लिख लिया। दोनों की है शेयर सिमिलर मोटरवेज, मोटरवेज मतलब रोड, दोनों सेम तरह के रोड्स नू शेयर करते हैं, विच रिजल्ट इन सो मैनी हार्डशिप्स दैट बोथ ड्राइवरस एंड साइकलिस्ट हैव टू कन्फ्रंट। तो ये क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है साइकलिस्ट ड्राइवर बोलना दे। टू प्रोमीनेंट फैक्टर्स आर बीइंग रिस्पोंसिबल फॉर दीज इशूज। दो की है, दो रीजनज है, ये दो प्रोमीनेंट फैक्टर्स जेडे कि रिस्पोंसिबल है ये, विच कैन बी मैनेज बाय एप्रोप्रिएट रैमीफिकेशनस। तो इन्हों के दो सोल्यूशनज भी है जिन्होंने एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दे के एप्रोप्रिएट रैमीफिकेशन दे के इन्हों ठीक किया जा सकता। फस्ट बीपी के मैं लिखा कि ए के क्यों होंगी, क्योंकि स्पीड डिफरेंस हों एक, दूजा मैं लिखा साइज का डिफरेंस हों करके चीज़ा होंगे, क्योंकि ता करके प्रॉब्लम फेस करने पैदा लोगों। फस्ट की है, वन ऑफ द मेजर कॉजेज वाई पीपल हैव बिन फॉलिंग विक्टिम टू रोड कैजुअलिटीज़ फॉर 10 ईयर्स इज स्पीड डिफरेंस इन बोथ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब की है, सब तो मेन रीजन की है भी लोग प्रॉब्लम का शिकार हो रहे, रोड कैजुअलिटीज़ का शिकार हो रहे पिछले 10 सालों तो, स्पीड डिफरेंस है, स्पीड ज़्यादा घट है दोनों की, ता करके की है ये चीज़ा हो रही हैं। वेयर कार्स कैन अचीव स्पीड एज फास्ट एज 200 किलोमीटर पर आवर, कार्स की है 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार ना चल सकती हैं। वेयर एज साइकल्स आर अनेबल टू ट्रैवल एट दिस हाई पेस, पर जितने के साइकिल जेडे कि इन्नी हाई पेस से नहीं चल सकते, इन्नी हाई स्पीड से नहीं चल सकते। ओइंग ऑफ अ परसन फिजिकल स्ट्रेंथ अलोंग विद कैपेबिलिटी टू राइड बाईसाइकिल। एक क्यों होंदा, सिर्फ एक परसन की फिजिकल स्ट्रेंथ भी किन्ना क फिजिकली फिट है वह बंदा, तो वो कैपेबिलिटी किन्नी है एक साइकिल राइड करन दी, एक्सपीरियंस किन्ना क हैगा। सिंस दिस कैनॉट बी कंपेयर्ड विद एफिशियंसी एंड कपैसिटी ऑफ मशीनस। तो जिहड़ी ये चीज़ है, एक बंदे की फिजिकल स्ट्रेंथ को अपन मशीनस की फिजिकल स्ट्रेंथ के नाल नहीं कंपेयर किया जा सकता, क्योंकि ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होंदियां। एज अ रिजल्ट व्हेन दीज बोथ कंप्लीट डिस्टेंस साइकिलिस्ट जनरली फॉल बिहाइंड कार ड्राइवर्स। जदों की आ दोनों चीज़ा इकट्ठे अपना डिस्टेंस कंप्लीट कर दिया है, तो साइकिलिस्ट हमेशा कार ड्राइवर्स तो पिछे रह जाते। दैट लीड्स टू सीरीयस कंसर्नस ऑफ एक्सीडेंट्स, जिद करके एक्सीडेंट्स होंगे, जिद करके की आ एक्सीडेंट्स रोड कैजुअलिटीज़ होंगे। ये आपने की किया, जस्ट मैं एक्सप्लेन किया, मैं कोई एग्जाम्पल नहीं दी, जस्ट मैं उदा ही एक्सप्लेन कर दिता भी डिफरेंस स्पीड का होंगे। मैं दस दिता भी जी कार है वो 200 किलोमीटर पर घंटा चल सकती है, जितने कि साइकिल एक की वो बहुत घट स्पीड होंगी है, क्योंकि वो एक बंदा मैनुअली आप ओपरेट कर रहे होंगे उस चीज़ को, ता करके तो करके जो भी ये दोनों चीज़ा कट्ठिया चल दया है, तो वो की है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स का इनक्रीज़ हो जाते, क्योंकि कार जे एक अपन पता ही है भी जे कार एक तेजी ना चल रही है तो साइकिल हौली हौली भी जा रहा, तो भी साइकिल की साइड तो नहीं हो सकता, वो एक्सीडेंट होगा ही होगा। दूजा रीज़न सगा,
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਜੈਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਰਸ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਕੰਪਨੀਜ਼ ਫਾਰਮਰ ਵਨ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਵਨ ਨੂੰ ਅਕੰਪਨੀ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਟ ਸਿੰਪਲੀ, ਸਿੰਪਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਰਸ ਹੈਵ ਬਿਨ ਐਨਲਾਰਜਡ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਡਡ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਇਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ, ਮਤਲਬ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਾਈਟ, ਵਿਡਥ, ਲੈਂਥ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੋਰ ਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡਰਸ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਈ ਹੈਵ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿਟਨੈਸਡ ਐਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਫੈਟਲ ਦੈਟ ਹੈਪਨਡ ਓਨਲੀ ਡਿਊ ਟੂ ਰੈਕਲੈਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਫ ਫੋਰ ਵੀਲ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਕਲੈਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਗੀ ਫੋਰ ਵੀਲਰ ਦੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਡ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਅ ਲੈਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਗ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿੰਬ ਆਫ ਬੋਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਡੀ ਦਾ। ਬਟ ਆਲਸੋ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇੰਜਰਡ ਸਾਈਕਲਿਸਟ, ਪਰ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇੰਜਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਪਾਸਿੰਗ ਨੀਅਰ ਬਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਸ ਡੂ ਨੋਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਪੇਸ ਫੋਰ ਅਦਰ ਟੂ ਵੀਲਰਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਰਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਟੂ ਵੀਲਰ ਲਈ ਸਪੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦਾ ਫਾਰਮਰ ਵਨ ਨੂੰ। ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਕਾਰਸ ਹੈਵ ਬਿਨ ਇਨਲਾਰਜਡ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡਰ ਦੇ ਲਈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੈਗ ਬ੍ਰੋਕਨ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇੰਜਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਈਕਲ ਡਰਾਈਵਰ, ਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਰਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਆ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਲਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੱਸੂਗੇ। ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ ਟੂ ਟੈਕਲ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਹਿਲਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਗਵਰਮੈਂਟਸ ਆਊਟ ਟੂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਸੈਪਰੇਟ ਲੇਨਸ ਬਾਏ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਿਸ ਆਫ ਬਿਕਮਿੰਗ ਵਿਕਟਿਮ ਆਫ ਐਡਵਰਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ। ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੈਪਰੇਟ ਲੇਨਸ। ਸੈਪਰੇਟ ਲੇਨਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਕਾਰਸ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਲੇਨਸ ਹੋਣ, ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਲੇਨਸ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਟੂ ਵੀਲਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਲੇਨਸ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਡ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੋਰ ਵੇਜ਼, ਸਿਕਸ ਵੇਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲੀਫਾਈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਜਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਵ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਮੇਜਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ, ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਦਸ ਹਿਊਜ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਡ ਕੈਜੁਅਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਵ ਬਿਨ ਨੋਟਿਸਡ, ਕੀ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਸ ਰੋਡ ਕੈਜੁਅਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਐਜ਼ ਅ ਕੋਨਸੀਕੁਐਂਸ, ਕੋਨਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਨਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਐਵਰੀ ਏਰੀਆ ਕੈਨ ਬੀ ਫਰੀ ਫਰੋਮ ਦੀਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਾਏ ਅਪਲਾਈਂਗ ਸਿਮੀਲਰ ਮੈਸ਼ਰਸ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮੀਲਰ ਮੈਸ਼ਰਸ ਜਿਵੇਂ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆ ਅਤੇ ਸਿਮੀਲਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੈਸ਼ਰਸ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਪੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆ, ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਵਾਈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਵਾਈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਡ ਮਤਲਬ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਾਏ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਕਰਬ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਿੰਸ ਇਫ ਪੀਪਲ ਆਰ ਪਨਿਸ਼ਡ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਦਰਸ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਨੋਟ ਡੇਅਰ ਟੂ ਕਮਿਟ ਐਨੀ ਓਫੈਂਸ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਓਫੈਂਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਫੀਅਰ ਆਫ ਬੀਂਗ ਕੌਟ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਸੈਂਡਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰਸ ਐਂਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਫਾਈਨਸ,
क्योंकि उन्हां नूं फीयर होगा कि हाँ जी उन्हां नूं की आ फड़ लिया जाऊगा, उन्होंने जेल के भेज दिता जाऊगा या फिर उन्होंने तो फाइन चार्ज किया जाऊगा। जे कोई भी बंदा मतलब रैकलैस ड्राइविंग करता है, कोई भी बंदा सिग्नल्स नूं ब्रेक डाउन करता है, कोई भी बंदा किसी होर नूं हार्म करता है अपने इलीगल एक्ट्स के नाल, तो वो नाल की है लोगों नूं डेटर करना किया जा सकता, लोगों नूं की है फीयर दे विच लिया जा सकता इन्हां गल्लां करके। ये अपना सैकेंड सोल्यूशन। फर्स्ट सोल्यूशन तो अपने ये किया भी डबल सेपरेट लेनस बना दित्तियां जान ता कि की है वाइडन रोड कर दिते जान ता कि की है ट्रैफिक प्रॉब्लम्स क्रिएट घट होन, जिदे नाल की है लोगों को प्रॉब्लम फेस ही ना करने पैन। दूजा आप कह दिता भी जिहड़े कि लोग है उन्होंने कि एक पर्टिकुलर लिमिट के अकॉर्डिंग एज लिमिट के अकॉर्डिंग राइड करना चाहिए आ बाइक्स नू या फिर की ड्राइव करना चाहिए कार्स नू ता कि प्रॉब्लम इदा क्रिएट ना ही हो। जिमें कि आप कह दिए कि एक स्पीड लिमिट फिक्स कर दी जा सकती है, उत्थे की है सिक्योरिटी गार्ड्स नू या फिर की है जिहड़ी ट्रैफिक पुलिस हुंदी उहनू अपॉइंट किया जा सकता ता कि एवें दे प्रॉब्लम नू फेस करना ही ना पवे। हुण इहदा आपां समअप देखदे हां, समअप किवें लिखना। समअप हमेशा अपने कोल हुंदा आ वी जिहड़ी चीज़ आ पूरा होल ऐसे उहदी ओवरऑल उहदा सिट्टा की निकलदा आ उहदी कंकलूजन की निकलदी उह हुंदा समअप। मैं कि लिखिया टू समअप, आप इन कंकलूड टू कंकलूजन इदा भी लिख सकते सी टू कंकलूड इन कंकलूजन टू समअप ऑल द इंसीडेंट्स ऑफ प्रॉब्लम अकरिंग अमंग कार ड्राइवर्स एंड साइकिल राइडर्स हैपन वेयर टू रीजनस कंट्रीब्यूट। ठीक है भी भला कि ये जड़े की हैपन होंगे जिते कि दो रीजनस होंगे हैपन वेयर टू रीजनस कंट्रीब्यूट दीज शुड एंड मस्ट बी रिजॉल्व। मतलब शुड एंड मस्ट मतलब करना ही करना चाहिए है बाय बोथ हायर गवर्नमेंटल बॉडीज फाइनैशियल असिस्टेंस। मतलब कि किया जा सकता है कितिया जा सकदियाँ है इन्हों करना चाहिए है जिमें कि जड़िया कि गवर्नमेंटल बॉडीज़ या उन्हें करके वह की है फाइनैशियल असिस्टेंस दे सकन। ऑलसो स्टर्न रेगुलेशन वुड बी हैल्पफुल, तो जोड़े की है रूल्स एंड रेगुलेशन जोड़े स्ट्रिक्ट हो भी ये हैल्प करे। आपने की किया भी भला कि भावें कि भी रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं साइकिल ड्राइवर या साइकिल वाले जोड़े राइडर्स ते कार ड्राइवर्स नू फेस करनिया पै रही प्रॉब्लम जिदे कि दो रीजनस आ बट इन्हों सॉल्व किया जा सकता रिजोल्व किया जा सकता गवर्नमेंट बॉडीज़ जे फाइनैशियल हैल्प दिंदी है तो नाल दी नाल की जो रेगुलेशन आ वो ज़्यादा होंदिया स्ट्रिक हो जाए करके इनू हैल्पफुल हो सकती है। हुण आपां देखदे भी ये जो एस आ वो सैवन बैंड का है सैवन अबव बैंड का क्यों है। पहला फस्ट तो सब तो पहला तो अपने को एक चीज़ जरूरी होंगी है भी आप ऑन टॉपिक रहना। आप ऑन टॉपिक रहे हैं इतने आपने जस्ट किया प्रॉब्लम्स की गल की है भी प्रॉब्लम कि फेस करनी पैदा प्रॉब्लम्स। एक तो आप भी ट्रैफिक कंजैशन होंगी, दूजा आपने कह दिता भी एक्सीडेंट्स होंगे, तो ये आपने की किया ऑन टॉपिक रहे हैं सारा कुछ कोहरेंस कोहिजन सारिया डिवाइस आप सही तरीके लगाइया जी ये ग्रामर यूज़ की वोकैबलरी यूज़ की अपने रैपीटेशन बहुत ज़्यादा घट की है जिमें कि हूँ इतने पैराफ्रेजिंग करनी सी उपर कुछ होर लिखा सी मैं कि अपने अपनी वर्डिंग इनू पैराफ्रेज किया ए रे आ टू मेन टू प्रोमीनेंट फैक्टर्स आर बीइंग रिस्पोंसिबल। मतलब ये पिछे दो है दो चीज़ा है फिर कि कैन बी मैनेज्ड मैनेज्ड मतलब की आ फ्यूचर की गल कर दिती मैं फिर की आ कॉजेज हैव बिन फॉलिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कर दिता क्योंकि ये रेयर टेंस हुंदा जिहड़ा यूज़ किया इन्हां दा राइटिंग दे विच बट ये बैंड स्कोरस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे अपने बोथ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वेयर कार्स कैन रन कर सकते हैं इन्ना तो ये कि अनएबल होंगे मतलब की आ मैं की किया कॉन्ट्राडिक्शन कर दी उस लाइन के फिर उस तो बाद की किया वी ओ किया सिंस दिस कैन नॉट बी कंपेयर्ड मतलब इनू कंपेयर नहीं किया जा सकता कंपेरिजन वाला नैगेटिव वाला स्ट्रक्चर लगा दिता तो ये कि जे इदा करते हैं तो फिर ये इदा होंगे दैट लीड्स टू मतलब इधर रिजल्ट की निकलता फ्यूचर की होंगी वो चीज़। फिर मैं किया इतने अकंपनीज लिखिया अकंपनीज हों मतलब ये ही एक होर जिहड़ी चीज़ आ वो कंपनी दे रही है एक होर रीज़न है यदा आप अकंपनीज वाला स्ट्रक्चर तुसी लगा सकते बहुत इफेक्टिव स्ट्रक्चर आ ही मैं यूज़ करानी अपने स्टूडेंट्स को भी कहनी कि वो यूज़ करन। फिर उस तो बाद हैव बिन इनलार्ज प्रेजेंट परफेक्ट द पैसिव मैं फॉर्म यूज़ कर ली इतने एंड एक्सटेंडेड दो वर्ब दियाँ फॉर्म्स यूज़ कर दती फिर उस तो बाद की किया प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया इतने अपने फिर आई हैव रीसेंटली फिर प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया जिदे विच की इदा इदा होया सी दैट हैपनड वर्ब की सैकेंड फॉर्म लगा दी जी आप
टेंस दे विच बहुत घट यूज़ करते हैं राइटिंग टास्क टू दे विच, बट आप एग्जाम्पल दे विच यूज़ कर सकते हैं ताकि अपने बैंड स्कोर्स वध सकन ते नाल दी नाल कि एग्जामिनर नूं पता लग सके कि आपां नूं कि टेंस आउंदे आ कि टेंस आप प्रॉपरली लिख सकते हैं। हैड टू लूज मतलब कि मजबूरी दे विच आपां दस दिता, फिर कि हु वॉज पॉस पासिंग नीयर बाय, पासिंग मतलब पास दा कंटीन्यूअस टेंस यूज़ कर लिया आपां ने। फिर टैकल करन दे लई आउट टू, सोल्यूशन देन दे लई, सुजैशन देन दे लई आउट टू आपां यूज़ करदे आ। बिकमिंग विक्टिम ऑफ एडवर्स, विल बी नैगलीजिबल, फ्यूचर दा आपां पैसिव यूज़ कर दिता। हैव मॉडिफाइड, हैव मॉडिफाइड मतलब फिर तो आपां की कीता, परफेक्ट यूज़ कर लिया प्रेजेंट परफेक्ट। हैव बिन नोटिस्ड, हैव बिन नोटिस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट दा पैसिव फॉर्म यूज़ कर दिता। एरिया कैन बी फ्री, कैन बी मॉडल दा पैसिव यूज़ की आपने। शुड बी लैजिस्लेटड ये भी पैसिव यूज़ किया क्योंकि पैसिव दे नाल भी अपने बैंड स्कोर्स काफ़ी इंप्रूव होंगे। आर फिनिश्ड कंडीशनल मैं यूज़ कर दिता इतने, इफ एंड दैन वाला स्ट्रक्चर लगा दिता। वुड हैव फीयर अगले फ्यूचर की गल कर दी आपने। विद सेंडिंग बार्स एंड चार्जिंग फाइनस ये आपने एक किया कंबाइन करके कंबीनेशन सेंटेंस यूज़ कर लिया। एज अ कॉन्सीक्वेंस कॉन्सीक्वेंटली मैं इतने वर्ब दिया फॉर्म्स चेंज किए हुई थोड़े थोड़े रैमीफिकेशन जिमें आप लै लिए। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लै लिया आपने, कैपेबिलिटी लै लिया, स्ट्रेंथ लै ली, एफिशियंसी एंड कैपैसिटी लै ली, कंप्लीट डिस्टेंस जर्नली एक एक वर्ड होंदा है, वधिया वर्ड्स होंदे सारे। ट्रैफिक कंजैशन ये भी एक की है वोकैबलरी का वर्ड आप मनते हैं। फिर उस तो बाद आपने समअप दे विच भी यही किया, पैराफ्रेजिंग की है वी अकरिंग सारी अपन इंट्रोडक्शन द्वारा तो पैराफ्रेज कर दिता। हैपन, कंट्रीब्यूट, टू रीजन कंट्रीब्यूट, रिजॉल्व मतलब इदा इदा किया जा सकता। शुड एंड मस्ट मतलब करना ही चाहिए ये चीज़। फाइनैशियल असिस्टेंस मतलब पैसे दिते जा सकते, नाल दी नाल की है रूल एंड रेगुलेशन औखा किया जा सकता ताकि लोगों को ये चीज़ा फेस ही ना करनी पैन। तो ये 7 to 8 बैंड अपन इस टास्क के आ सकते हैं राइटिंग टास्क टू के, क्योंकि आपने इदा की कोई गलती नहीं की। आप ऑफ टॉपिक नहीं गए, आप ओवर लेंथ नहीं किया, आपने अंडर लेंथ नहीं किया, आपने स्टेटमेंट के कोई भी वर्ड्स इदा के नहीं उठाए, कॉपी नहीं की, कोई आपने जोड़े मैमोराइज वर्ड्स या उन्होंने कोई यूज़ नहीं किया। जस्ट आप नैचुरल जी अपनी सी लैंगुएज वो आप यूज़ की, ऑफ टॉपिक नहीं गए, आप ऑन टॉपिक आपने सारा कुछ लिखे। कोहेसिव डिवाइसिस मैं सही लिखिया, जिते ऑल दो लगना सी फिर मैं कॉमा पा के बट की जगह से लगा दिता। जिते अपन इतने दूजी साइड से गल कर रहे थे मैं इन कंट्रास्ट यूज़ किया। कॉन्सीक्वेंटली मतलब रिजल्ट देना सी मैं कॉन्सीक्वेंटली ही यूज़ किया। देयर फॉर मतलब ये भी एक आप रिजल्ट देने लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल नू फॉर एग्जाम्पल ही लिखा आपने, इतने आप टू एग्जाम्पलीफाई लिख दिता। फिर आप लिख दिता एज अ कॉन्सीक्वेंस मतलब ये हो सकता है बिकॉज दे वुड हैव ए वाली चीज़ अपन लगा दी, दैन वाला स्ट्रक्चर लगा दिता। इतने आपने की किया एज आ रिजल्ट दस दिता भी रिजल्ट की निकलूगा, इतने आपने दस लगाया सी एज आ रिजल्ट विच रिजल्ट इन। तो जे ये तुम वीडियो मेरी थोड़ी जी भी इन्फॉर्मेटिव लगी इन प्लीज़ लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जेडे कि आयल्स कर रहे हैं या फिर जिन्हों का आयल्स एग्जाम है क्योंकि हूँ एग्जाम भी स्टार्ट हो चुकी आयल्स की। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम इफ यू हैव IELTS exam in the near future or in the near days. Please try to subscribe my channel because it will not cost you anything, but it will be a kind of motivation for me to make these kind of videos in the future. Thanks for support and have a nice day guys.